एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर 1,40,00,000 रुपए की ठगी। जोधपुर निवासी परिवार को बनाया गया शिकार। एडमिशन नहीं होने पर रुपए लौटाने को कहा तो ठग बोले दोबारा आया तो गोली मार दूंगा। प्रतापनगर थाने में पीड़ित ने कराया है केस दर्ज। अब पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो जयपुर से एक बड़ी खबर है, एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर 1,40,00,000 रुपए की ठगी की गई है। जोधपुर निवासी परिवार को बनाया गया है शिकार। एडमिशन नहीं होने पर रुपए लौटाने को कहा गया है। तो साथ ही ठग ने कहा कि जैसे ही रुपए लौटाने की बात सामने आई तो उसने कहा कि दोबारा आया तो गोली मार दूंगा। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अभी देखिए, जोधपुर का रहने वाला परिवार है जिसको कि एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर ठगी हुई है। करीबन 1.5 करोड़ रुपए की ठगी बताई गई है और लगातार जब वो पीछा करता रहा कि अब मेरे एडमिशन नहीं हुआ, पैसे लौटा दो पैसे लौटा दो। कल रात को जब वो पैसे लेने दोबारा उनके घर गया, ठगी करने वाला घर गया, तो उसने साफ कहा कि दोबारा यहाँ पर आओगे तो आपके सिर में गोली डाल दूंगा। यानी कि जोधपुर का जो परिवार है उसने परेशान होकर आखिरकार प्रतापनगर थाने में शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के पास किस किस हिसाब से पैसे पहुंचे हैं, किस प्रकार से ट्रांजेक्शन करके उसको रुपए दिए गए हैं, उनकी सारी तस्दीक की जा रही है जिससे कि आरोपी गिरफ्तार किया जा सके। सत्यनारायण, परिवारजनों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, परिवार का साफ कहना है कि उनका जो पुत्र है उसको एमबीबीएस में दाखिला देना चाहते थे और डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन नंबर कम होने के कारण जब उन्होंने उस व्यक्ति संपर्क किया जिसने बताया कि मेरी जानकारी अच्छी है, मैं एमबीबीएस में दाखिला करा दूंगा, तो उसने करीबन 1.5 करोड़ रुपए उनसे ले लिए। लेकिन समय निकलने के पश्चात भी जब वो उसमें दाखिला नहीं करा पाया तो पैसे मांगने गए, तो उसके बाद में तो उसने साफ इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए गोली मारने की धमकी दी। उस धमकी के आधार पर रात को मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और फिलहाल रुपए किस प्रकार से गए हैं, एक नंबर में है या फिर कैश का हिसाब किताब है, तो सारा पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस का आरोप इस मामले की मॉनिटरिंग करते हुए जांच की जा रही है। सत्यनारायण, पुलिस की ओर से मामले की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, अभी तक कल रात को मुकदमा दर्ज हुआ है, ऐसे में तस्दीक की जा रही है कि कितना रुपया है और रुपया कौन से बैंक से किस बैंक में गया है, आरोपी के पास किस किस खाते में पैसा गया है, आरोपी ने किस किस खाते में पैसा डलवाया है, इसकी जानकारी दी जा रही है। अगर आरोपी ने अपने साथी के खाते में पैसे लिए हैं तो उसको भी आरोप बनाया जाएगा। साथ साथ ये जो पीड़ित परिवार है इसके पास कितना पैसा कहाँ से है इसकी तस्दीक की जाएगी। ऐसे में आला अधिकारी पूरे चित्र को जानकारी रखते हुए इस मामले की जाँच कर रहे हैं जिससे की दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।